गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखिए, मैं आपको रिवाइज करा दूं, रिवीजन जिसको आप बोलते हैं रिकॉल सिस्टम, बहुत ही जरूरी है। इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है, लास्ट पार्ट चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन का, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बोलते कि अंत भला तो सब भला, शुरुआत जैसे की थी अंत भी अच्छा ही होना चाहिए। तो पूरा चैप्टर आप एल्डिहाइड कीटोन को बिल्कुल कंप्लीट कर लें, क्वेश्चन बहुत आता है इससे। कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करेंगे, लेकिन छोटा सा चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोगों ने जेंटलमैन एल्डोल कंडेंसेशन सीखा था, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन सीखा, इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन सीखा, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग नई रिएक्शन शुरू करेंगे। एनसीईआरटी में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए की पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले ध्यान दें आप, सबसे बड़ा की पॉइंट क्या है कि कीटोन डू नॉट गेट दिस रिएक्शन। कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते जेंटलमैन, एल्डिहाइड कैन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत ही पॉपुलर सा टर्म है, मैंने आपको बताया था कि 11th क्लास में एक यूनिट पढ़ते हैं आप लोग जिसको आप बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक शब्द आता है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन मतलब जब एक ही सब्सटेंस का जेंटलमैन ऑक्सीडेशन होता है और उसी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है तो उसे आप डिस्प्रोपोर्शियोनेशन बोलते हैं। कैनिज़ारो में ये दो की पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझने हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि कीटोन ये सब रिएक्शन नहीं देते, एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है जिसको आप डिस्प्रोपोर्शियोनेशन बोलते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है ये आप समझ लें। रिक्वायरमेंट क्या है पहली कि स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस आप समझ रहे हैं NaOH, QOH एटसेट्रा। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि एल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फा एच एटम्स, जो भी एल्डिहाइड इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे जेंटलमैन उनमें अल्फा एच नहीं होगा। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह के मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स विच कैन गिव कैनिज़ारो कैनिज़ारो रिएक्शन, कौन से मॉलिक्यूल कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे। देखो मैं लिख रहा हूं फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, मैं लिख रहा हूं एरोमेटिक एल्डिहाइड PH CHO,
एक मॉलिक्यूल ऐसा लिख सकता हूँ कि आर थ्री कार्बन से तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो इस पे भी कोई अल्फा एच नहीं है। एक मॉलिक्यूल मैं लिख सकता हूं ये भी एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, फाइव मेंबर रिंग मैंने ली हुई है, ठीक है ना, तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल मैंने आपको की पॉइंट बताया और रिक्वायरमेंट बताई। चलो भाई शुरू करते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। हम लोग दो मॉलिक्यूल एग्जांपल करते हैं कि अगर दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, कई बार कंफ्यूजन नहीं करना है, बोथ आर सेम, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है और कास्टिक सोडा मतलब जिसको आप बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ट्रीट कराए, तो मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन होता है, तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और रिडक्शन होगा तो ये मिथॉक्साइड बनेगा, ये इसको बोलेंगे मीथेनोएट बनेगा। ये फॉर्मेट बोल सकते हैं इसको, तो इसको भी इसमें क्या जाएगा सब, अगर एनए प्लस इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये सॉल्ट बन जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ है एसिड में, और इसको H प्लस मिलेगा तो ये CH3OH बन जाएगा। मतलब कहने का ये, आप बात को समझो कि एक्चुअली में ये दो हिस्सों में टूट रहा है, तो एक को OH जा रहा है, ठीक है ना, तो एक ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है, ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट और ये रिडक्टिव प्रोडक्ट। पी का मतलब प्रोडक्ट, समझ पा रहे हैं, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड लिया और कैनिजारो रिएक्शन कराई तो मिथेनॉल बनेगा और सोडियम फॉर्मेट बनेगा, मतलब ये ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन हो रहा और क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा। इसकी मैकेनिज्म पे ध्यान नहीं जा रहा कि मैकेनिज्म क्या रही होगी कि फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल SCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, बेस में क्या है OH माइनस, तो OH माइनस जब इस पे अटैक करेगा तो ये स्टेप फास्ट होगा, तो ये इस तरह से ये एक नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग ऑक्सीजन इंटरमीडिएट बनेगा, और ये आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है तो दूसरा मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल जो था ये इस पे अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये
यू कैन सी दैट जेंटलमैन, ये एज ए न्यूक्लियोफाइलस पे अटैक करेगा, फिर ये स्टेप हो जाएगा आरडीएस स्लो स्टेप। और जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइलस पे अटैक करेगा तो यू कैन सी दैट क्या बन जाएगा, एस सी ओ नेगेटिव, क्योंकि ये जब न्यूक्लियोफाइलस पे अटैक करेगा तो आप देख रहे हैं कि सी एच टू और यहाँ पर क्या है ओ ओ एच है, तो ये एस सी ओ नेगेटिव और सी एच थ्री ओ एच। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन। मैं आपको बोल दूं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन ऑफ एन एल्डिहाइड व्हिच कंटेन नो अल्फा एच, नो अल्फा एच। ध्यान देना जेंटलमैन, एक ऐसा एल्डिहाइड हमने लिया है जिसमें कोई भी अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम कैनिजारो करा रहे हैं, और जब कैनिजारो कराएंगे तो वही एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि एल्डिहाइड का एसिड में ऑक्सीडेशन बड़ा आसान होता है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जिसे आप सॉल्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, और दूसरा जो है एल्कोहल बनेगा जो कि रिडक्टिव प्रोडक्ट है। जेंटलमैन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप मैकेनिज्म को देखें तो जो इस रिएक्शन का रेट है, क्योंकि आरडीएस मैंने लिखा है, तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो एल्डिहाइड के कॉन्सेंट्रेशन की पावर और बेस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो यू कैन सी दैट कि ऑर्डर इज थ्री, ऑर्डर इज थ्री, बट अगर हम बेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ, ये ध्यान रखना, प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, बेस मतलब OH माइनस, तो यही रेट क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल्डिहाइड तो एज इट इज रहेगा और कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, तो ये ऑर्डर फोर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार JEE में पूछा गया है कि कैनिजारो रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो सकता है, तो ये दोनों आंसर थे मोर देन वन में। तो आपको आंसर देना था कि भाई जो कैनिजारो रिएक्शन है उसका ऑर्डर थ्री भी हो सकता है और उसका ऑर्डर फोर भी हो सकता है। तो ध्यान देना कि कैनिजारो रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शियोनेशन जेंटलमैन। अब हम लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसे मॉलिक्यूल ही लेने हैं कि कैनिजारो देना है लेकिन अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो बस ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, अगर फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं, जो भी मॉलिक्यूल हमने लिखे थे वो आप फॉर्मेल्डिहाइड का आपने केस कर लिया, हम लोग बेंजाल्डिहाइड ले सकते हैं। जेंटलमैन देखिए प्रैक्टिस के लिए मैं लिख रहा हूं, कैनिजारो रिएक्शन करानी है, सी आर शॉर्ट में लिख दिया कैनिजारो रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल बेंजाल्डिहाइड लिया और ये NaOH लिया, मतलब हम कैनिजारो करा रहे हैं, सी आर पहले लिख दिया मैंने, Me3CCHO NaOH एक और लिया था हम लोगों ने, तो
मैं यहाँ पे भी लिख दूं, मैं कैनिजारो रिएक्शन करा रहा हूँ, जेंटलमैन कैनिजारो रिएक्शन करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, कैनिजारो रिएक्शन। मॉलिक्यूल एक ही टाइप का है जेंटलमैन, तो एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट देगा और एक मॉलिक्यूल क्या देगा रिएक्टिव प्रोडक्ट देगा। बड़ा सरल सा काम है, मतलब PHCOO नेगेटिव Na प्लस ये बनेगा और एल्कोहल बन जाएगा PHCH2OH, PHCH2OH एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, ये बन जाएगा Me3CCOO नेगेटिव Na प्लस और साथ में बन जाएगा Me3CCH2OH। जेंटलमैन यू कैन सी दैट वी हैव टू फाइंड कैनिजारो प्रोडक्ट, 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, तो यहां से एक पॉइंट और ध्यान रखना कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया था एक बार कि क्या कैनिजारो रिएक्शन 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन करती है, यस यहां पे भी ऐसे ही हो जाएगा। देखिए मॉलिक्यूल क्या है, इस तरह का मॉलिक्यूल था तो ये ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट हुआ और ये रिडक्टिव प्रोडक्ट हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये कैनिजारो रिएक्शन की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। एक बात यहां पर ध्यान रखनी है कि जेई मेंस में और जेई एडवांस का क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा घुमाते हैं और थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि परेशान नहीं होना है, रिएक्शन भी सीखनी और उस लेवल पे जाके सीखनी है कि क्वेश्चन हमारा रॉन्ग ना हो पाए, गलत ना हो पाए। तो ध्यान ये देना है कि एक नोट लिखना है, क्या लिखना है नोट, अगर मैं कार्बन पे जो sp3 कार्बन है जिससे माइनस एन इफेक्ट लगा हुआ है मैं 3 Cl लगा दू तो ये ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड हुआ। मैं आपको बता दूं ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड ये ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड हुआ और अगर मैं 3 फिनाइल लगा दूं जेंटलमैन तो ट्राई फिनाइल एसिटेल्डिहाइड, ट्राई फिनाइल एसिटेल्डिहाइड बन गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी sp3 कार्बन जिस पर जो है माइनस एम इफेक्ट लगा हुआ हो तो वो कार्बेनाइन का फॉर्मेशन करता है, तो कार्बेनाइन का अगर ये फॉर्मेशन करेगा मैं आपको बता दूं जेंटलमैन तो ये इस तरह से बनेगा और ये इस तरह से बन जाएगा जेंटलमैन, मैंने आपको बताया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों केस में डू नॉट गिव CR, डू नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, Do not give Kanizaro reaction। ये इस तरह के दोनों एल्डिहाइड दोनों मॉलिक्यूल Kanizaro reaction जेंटलमैन नहीं देते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि these are better leaving group एनहाइड्राइड माइनस, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन से ये बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं। मैं आपको बता दूं क्योंकि Cl लगा हुआ है तो माइनस आई लगा हुआ है खींचता है तो उसको रेजोनेंस से स्टेबलाइज करता है जेंटलमैन, दोनों मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है जेंटलमैन, तो रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन होता है और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो बेटर लिविंग ग्रुप हो जाते हैं। मतलब क्वेश्चन आया था एक बार JEE में और NEET में क्या क्वेश्चन आया था कि साहब ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड था और ट्राइक्लोरो एसिटेल्डिहाइड पे बेस की प्रेजेंस में अटैक कराया था तो यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है CHCl3 CHCl3 होता है और एक कार्बन है तो HCOO माइनस बनता है, मतलब यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं है, क्लोरोफॉर्म बनता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर
पीएच ले लूंगा, ठीक है ना, तो आप समझ रहे हैं कि क्या बनेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पीएच आ जाएगा, सी एच पी एच थ्री और एस सी ओ मैंने, तो ये केनिजारो रिएक्शन के प्रोडक्ट है। केनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देता है जिसमें जेंटलमैन अल्फा एच नहीं होता। मुद्दा ये आता है कि अगर मैं क्रॉस केनिजारो कराऊं, अगर मैं क्रॉस केनिजारो कराऊं, जैसे हम लोगों ने क्रॉस एल्डोल सीखा था, तो क्रॉस केनिजारो भी सीखेंगे। क्रॉस केनिजारो में दोनों मॉलिक्यूल हम क्या ले लेंगे, डिफरेंट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्रॉस केनिजारो सीख रहे हैं, रिक्वायरमेंट समझे क्या है। बेस स्ट्रॉन्ग बेस, मॉलिक्यूल्स हैविंग नो अल्फा एच, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं क्रॉस केनिजारो की, तो जेंटलमैन इसमें ध्यान ये देना है कि अगर हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लेने और दोनों अल्फा एच नहीं रखने वाले हैं, तो ध्यान यही रखना है कि सबसे बड़ा की पॉइंट क्या है, एल्डिहाइड दोनों होने चाहिए। डिफरेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी एल्डिहाइड, मस्ट बी एल्डिहाइड्स, तो क्या ध्यान रखना है, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड विल गिव एसिड या विल ऑक्सीडाइज। ज्यादा रिएक्टिव जो एल्डिहाइड होगा, मैं आपको कहानी बता चुका हूं कि एल्डोल में ये चलेगा, केनिजारो में भी चलेगा, कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, लेकिन एल्डिहाइड में भी लड़ाई होती है। तीन चार प्रकार के एल्डिहाइड दिए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी प्रोडक्ट बनाने में। ज्यादा रिएक्टिव जो एल्डिहाइड होगा उसी का आपको सॉल्ट बनाना है, लेकिन अगर क्रॉस में आप देखें तो ऐसे टोटल प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट अगर आपसे कोई पूछता है तो कितने बन सकते हैं, चार। मैक्सिमम प्रोडक्ट आप कितने बन सकते हैं, चार। मैक्सिमम प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं, चार। ध्यान देना है, बहुत बड़ा नोट लिख रहा हूं मैं, एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड नहीं ले रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं कि क्रॉस केनिजारो कैन गिव मैक्सिमम फोर प्रोडक्ट्स। लास्ट लिमिट है ये, मैक्सिमम फोर प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मेल्डिहाइड होगा, इफ एस सी एच ओ इज प्रेजेंट, देन इट विल गिव कार्बोक्सिलेट आयन। अगर फॉर्मेल्डिहाइड है, आपको मैं बता दूं फॉर्मेल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड,
फॉर्मेल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड देन एरोमेटिक एल्डिहाइड. यू कैन सी दैट जेंटलमैन एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड में आपको बता चुका हूँ सारी बातें, ये कई बार बता चुका हूँ कि एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा एलिफेटिक कीटोन से, एलिफेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड से, एलिफेटिक कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होगा एरोमेटिक कीटोन से. जो कीटोन होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, तो कीटोन का हमेशा हम कार्बिनाइन बनाएंगे एल्डोल कंडेंसेशन में, क्रॉस में भी सब में. और यहाँ कैलिजारो सीख रहे हैं तो सबसे रिएक्टिव जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड है. फॉर्मेल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, मतलब सॉल्ट बनेगा. और अगर फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर दूसरी कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं तो उसमें चांस है मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 भी. लेकिन हम दो को ही कंसीडर करते हैं, एक से हम एल्कोहल बना देते हैं और एक से हम सॉल्ट बना देते हैं. देखते हैं कैसा होता है. क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने PnCHO लिया है, ये एक्चुअली मैं क्रॉस कहीं जा रहा हूं चलता, और फॉर्मेल्डिहाइड लिया है. मैं एग्जांपल मैं लिख रहा हूं CCR क्रॉस कहीं जा रहा हूं रिएक्शन OH-. तो देखो इसका ऑक्सीडेशन ही होना, तो जो बेंजल्डिहाइड होगा वो एल्कोहल में रिड्यूस होगा और फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा. अगर मैं Me3CCHO ले रहा हूं और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रॉस कैनिजारो करा रहा हूं CCR OH-, तो मैं आपको बता चुका हूं ये अगर है क्रॉस कैनिजारो में तो ये हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, तो SCO- बनेगा और साथ में Me3CCH2OH बन जाएगा. ये एल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल इज फॉर्म, एल्कोहल इज ध्यान देने वाली बात है. अगर मैं किसी में भी अल्फा एच नहीं होना चाहिए जेंटलमैन, क्योंकि हम कैनिजारो करा रहे हैं, तो इसकी भी अगर हमने रिएक्शन कराई CCR कराया क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कराया बेस की प्रेजेंस में, तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज होना है. और जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका रिडक्शन होना है और 1 डिग्री एल्कोहल बनना है. मेरी बात आप समझिए, अगर हम इस तरह से ले लें कि PH CHO CH3 CHO, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है मैं आपको बता दूं कि CCR, तो ये बन सकता है PH CH2 OH, CH3 COO- बन सकता है CH3 CH2 OH, PHCOO-. तो ध्यान देना ये 4 प्रोडक्ट आपके इसमें बन सकते हैं. तो क्रॉस कैनी चारों में ध्यान ये देना है कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, मेरी बात आप समझिए कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है तो हम मैक्सिमम कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं, मुद्दा ये है. तब हम मैक्सिमम प्रोडक्ट, मतलब अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, आपकी पॉइंट समझ लें. लेकिन अगर फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर दूसरा है, तो दोनों एल्डिहाइड और दोनों में अल्फा एच नहीं है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अगर हमने दूसरा कोई मॉलिक्यूल लिया है तो मैक्सिमम 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं. लेकिन इसमें भी हम मेजर और माइनर का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर होगा तो मैं बता दूंगा आपको. तो क्रॉस
जेंटलमैन, हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन सीखा, हम लोगों ने क्रॉस एल्डोल सीखा, हम लोगों ने इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल सीखा, हमने कैनिजारो सीखा, हमने क्रॉस कैनिजारो सीखा। एक छोटा सा केस हो सकता है इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो का, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो कोई बहुत ही खास केस नहीं है। इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो में एक ही मॉलिक्यूल में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बना के देते हैं, क्योंकि इंट्रा है, तो इंट्रा का मतलब विदिन द मॉलिक्यूल। ध्यान देने वाली बात है कि रिएक्टिविटी के आधार पे हम एल्कोहल या कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन करते हैं इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो। छोटा सा पार्ट है, इंट्रा इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो। इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो की रिक्वायरमेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए सर, OH माइनस, NaOH या QH से वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड हैविंग टू कार्बोनिल ग्रुप। एक ही मॉलिक्यूल होना चाहिए जेंटलमैन कार्बोनिल कंपाउंड का, जिसमें कम से कम दो कार्बोनिल ग्रुप हो। इंट्रा आ गया ना, हैविंग नो अल्फा एच, कोई अल्फा एच एटम नहीं होना चाहिए। बड़ा आसान होता है, देखिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पिथैलेट एसिड होता है, पिथैलेटाइड भी होता है। ये देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने लिया, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में मैं आपको बता रहा हूं कि इंट्रा मॉलिक्यूलर IMCR इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन में अगर करा रहा हूं तो एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा जेंटलमैन और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो CH2OH बनेगा इसी मॉलिक्यूल में और COO- बनेगा। अगर मैं ग्लाइऑक्सल ले लूं, इसमें भी अल्फा एच नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब। दिस वन इज ग्लाइऑक्सल, तो ग्लाइऑक्सल अगर ले लूं और बेस की प्रेजेंस में इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन अगर मैं कराऊं तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको बनाना है। ये देखिए कोई भी अल्फा एच नहीं है जेंटलमैन, और अगर बेस की प्रेजेंस में मैं इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन कराऊं तो यू कैन सी दैट एल्डिहाइड ऑलवेज ऑक्सीडाइज, रिएक्टिविटी आ गया, ये कीटोन ग्रुप आ गया। तो कीटोन पे मैं अल्कोहल बनाऊंगा और कितने अल्कोहल बनाऊंगा 2 डिग्री, और ये ऐसे हो जाएगा, तो यू कैन सी दैट दिस
ये 2 डिग्री है, तो इस तरह के केस में 2 डिग्री अल्कोहल बन सकता है जेंटलमैन, लेकिन नॉर्मली क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमारे पास 6 रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें अल्फा एच का महत्व है, और उसके बाद कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो, इंट्रा मॉलिकुलर कैनिजारो जिसमें अल्फा एच का महत्व नहीं है, प्रोडक्ट रिएक्टिविटी पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों रिएक्शन में बेस की प्रेजेंस है, दोनों रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड की प्रेजेंस है, किसी में अल्फा एच का महत्व है, किसी में अल्फा एच का महत्व नहीं है। तो मेरी अपील आपसे ये है कि इन 6 रिएक्शन को बहुत अच्छे से आप तैयार करें, एक दिन में अगर 3 रिएक्शन भी कंप्लीट होती है और सबके दो दो चार चार क्वेश्चन लगाइएगा, मतलब एटलीस्ट एक पे, मैंने तो पहली बार आपको एग्जाम्पल करा दिए, 3 से 4 एग्जाम्पल हर एक केस के कराए, तो 3 एग्जाम्पल तो हर एक केस के कराए, तो 18 इलस्ट्रेशन तो मैंने आपको करा दिए, बाकी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 18 आप कर दो, मतलब 36 से 40 क्वेश्चन आपके अगर हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ये कोई भी रिएक्शन गलत होगी। तो अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे आगे और भी कुछ रिएक्शंस, ठीक है ना, और बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड पर आएंगे, चर्चा करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, तब तक आप इसका रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए, ऑल द बेस्ट।